बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज आपका लेक्चर नंबर 15 है और अनवान है आपका अदब की अहमियत। पेज नंबर है आपका 85, 86 एंड 87। 3 पेजेस पे मुश्तमिल ये रीडिंग है जो कि आपने घर में इसकी रीडिंग मुकम्मल करनी है। अब देखिए अदब की अहमियत, अदब की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अदब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मानी है हैरत अंगेज़ चीज़, हैरान कुन चीज़। अदब की हमारी ज़िंदगी में बहुत सी अहमियत है क्योंकि अदब से ही हमें हैर और शर में फ़र्क पता चलता है। अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है ये हमें अदब से पता चलता है और अदब ही हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल बताता है, सिखाता है। अगर हमें अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं पता होगा तो हमारा माशरा जो है वो एक मशीन बन जाएगी, मशीन जिसको जिस तरह चाहें आप चला सकते हैं उस, क्योंकि उसको अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं पता होती। इसी तरह इलामा इकबाल ने एक जगह पर फरमाया कि अक्सर मशीनें जो हैं वो इंसान के एहसासात को, जज्बात को कुचल के रख देती हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें और अपने एहसासात को कुछ में नहीं देना चाहते तो आपको अदब की अहमियत से वाकिफ होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे हास अल्फाज। हास अल्फाज में नंबर 1 पे आता है फीचर, हल्का फुल्का मज़मून, मुहतसिर सा मज़मून, सहाफियाना, सहाफ़ी की जमा, अखबारात लिखने वाला, रोगर्दानी, इनकार करना, मुकर जाना, असलूब, तरीका, ज़ोक़े जमाल, ज़ोक़ कहते हैं शौक़ को, जमाल कहते हैं खूबसूरती को और इन दोनों का क्या होगा, खूबसूरती का शौक़, मरावत, लिहाज रखना, चलन, हरकत, कतई ताल्लुक, ताल्लुक ख़त्म होना या ताल्लुक ख़त्म करना, काबिले तकलीद, पैरवी करना, अकासी, तस्वीरकशी, मनकशब, ज़ाहिर होना, इंसाइक्लोपीडिया, वो किताब जिसमें हर किस्म की मालूमात दी जाती है, एक किताब जिसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद हो। उसके बाद आप रीडिंग की तरफ आएंगे और रीडिंग में अल्फाज को आप अंडरलाइन करने के बाद उनके मीनिंग्स लिखेंगे। ये वाले अल्फाज माने भी आपने याद करनी है और लिखनी है। देन रीडिंग में नंबर 1 पे है दाद, शाबाश, काबिले तकलीद, पैरवी के काबिल, तोआज़न, बराबर, शास्तगी, सलीकामंदी, अबूर, माहिर, मतन, तहरीर, रुबाई, एक छोटी सी नज़म जो कि 4 मिसरों पे मुश्तमिल होती है। उसके बाद आशना, बताना, अमूरे ज़िंदगी, ज़िंदगी के काम, महज, सिर्फ, रोगर्दानी, इनकार करना, दुश्वार, मुश्किल, ये अल्फाज़ मानी आपने रीडिंग में लिखने भी है और इनको याद भी करना है।